नमस्कार। इस समय हम सिलाना गांव में खड़े हैं। वार्ड नंबर 9 की बात करें तो सबसे दमदार प्रत्याशी के तौर पर मास्टर जी हैं। मास्टर जी से हम बात करेंगे, क्या क्या मुद्दे हैं, किस तरह का रोड मैप है, और लगातार जो कहीं ना कहीं जो समस्याएं होती है वार्ड में वो आप समझ सकते हैं। और उनके साथ में कहीं ना कहीं महिलाएं हमारे साथ, इनके साथ हैं, बुजुर्ग साथ हैं, नौजवान साथ हैं। जनाब, किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है, किस तरह आप लोग राजनीति में आए और किस तरह का मैनिफेस्टो तैयार किया गया है? नमस्कार जी, रामाकांत आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी देखिए, मैं एक अध्यापक हूँ, स्कूल से रिलेटेड हूँ। गाड़ी हमारी हर गांव में जाती है बच्चों को लाने के लिए। मैंने देखा गांव में सबसे मेजर प्रॉब्लम है गलियों की, उसको देखते हुए इसके बाद उसको देखते हुए हमने ये लिया कि क्यों नहीं हम राजनीति में आए और इस काम को अपने हाथ से कराए। शिक्षा एक बेहतरीन माध्यम होता है जनाब। अगर बात की जाए, राजनीति को तो एक बड़ा दलदल के टाइप में माना जाता है। अगर बात की जाए शिक्षा, अगर क्षेत्र में हो तो विकास कार्य ऑटोमेटिक हो जाएंगे। आप टीचर हैं, किस तरह देखते हैं विकास को? देखिए, हमने देखा कि राजनीति में एजुकेशन बहुत जरूरी है उम्मीदवार के लिए। अगर पढ़ा लिखा उम्मीदवार है तो अपना सरकार द्वारा दिया हुआ जो भी ग्रांट है उसको बखूबी से अपना सरकार से लड़कर अपना हक अपनी ताकत से मांग सकता है, और हर पूरे क्षेत्र में जिस जिसका जो हक होता है उसको नियमित तरीके से लगा सकता है। वार्ड की बात की जाए तो वार्ड में क्या क्या आप लोगों को समस्या ऐसी लगी, नाली गली सुरक्षा को लेकर? अगर महिला सशक्तिकरण की बात तो करती है सरकार, लेकिन महिला सुरक्षा को लेकर किस तरह के चीजें होनी चाहिए वार्ड में? अगर मैं आपके वार्ड के गांवों की बात करें, किस तरह देखते हैं जनाब? देखो, हरियाणा सरकार ने 50% नारी को आगे लाने की कोशिश की है, और क्योंकि नारी एक घर तक ही सिमट कर रही थी, अब बहुत अच्छा प्रक्रिया के लिए जाती है तो अपने आप में एक गर्व महसूस करती है कि हमें सरकार का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारे को यह आरक्षण दिया। और जब हम घूमते हैं जन समर्थन मिलता है, और उसके लिए हम इतने अग्रणी रहेंगे विकास के लिए, तो हम सरकार का नारी शक्ति बोलते हैं, हम बहुत बहुत उनका धन्यवाद करते हैं। जी, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी अगर हम चुनाव जीतते हैं? आप चुनाव जीतते हैं, वार्ड में जाते हैं, तो फर्स्ट प्रायोरिटी ये इस काम की होगी? वार्ड के अंदर सबसे मेजर प्रॉब्लम है गलियों की, सड़कों की। दूसरी है पीने के पानी की, बहुत सबसे मेजर प्रॉब्लम है। अगर हम वार्ड चुनकर आते हैं वार्ड में, तो हम सबसे पहले गलियों का और पीने का पानी का प्रबंध करवाएंगे। अगर आप क्षेत्र की बात करें तो जितना भी ग्रामीण अंचल है खेती से जुड़ा है, किसानों की भी बद से बदतर हालत है। आज भी पानी भरा हुआ है, बरसाती पानी है, इसकी तरफ हमारा विशेष ध्यान रहेगा, क्योंकि कोई भी व्यापार है चाहे कोई भी क्षेत्र है, जमींदार के बिना वो नहीं बढ़ सकता। तो हम इसमें भी हम पूरा सहयोग करेंगे, जहाँ भी हमारी कोशिश होगी, जमींदार की किसान की कोई समस्या होगी, हम इसको भी फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। कुछ और लोग हैं, किस तरह का मास्टर जी का रिस्पॉन्स आशीर्वाद मिल रहा है? भाई बहुत बड़ी आदमी है, कमाल की बात है। अरे, हमारे भाग्य की बात है कि मास्टर जी का नंबर आया। जिताकर भेजेंगे, जिताकर भेजेंगे। हाँ जी, पक्का लोड़ा। किस तरह देखते हैं? जीत हो रही है जी। हाँ बिल्कुल, कुछ और लोग हैं, किस तरह देखते हैं? ऐसा जी, हमारा कैंडिडेट बहुत ही दमदार है, एजुकेट से जुड़ा हुआ है, शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों की शिक्षा के लिए बहुत मेहनत करेंगे। और हम आप कैंडिडेट के साथ ये करते हैं कि जैसे अपना वार्ड है, इससे हम शिक्षा बच्चों को ज्यादा से ज्यादा बढ़िया से बढ़िया शिक्षा दिलाने का प्रयास करवाएंगे। बिल्कुल, कुछ महिलाएं हैं, हम दादा जिताएंगे मास्टर जी को। हाँ, जिताओगे मास्टर जी ने? बिल्कुल बिल्कुल। कुछ महिलाएं किस तरह देखते हैं चुनाव को, तरह से उम्मीदें हैं इन लोगों से? हमें इनसे पूरी उम्मीदें हैं और ये हमारी उम्मीदों पे पूरा सहयोग देंगे। किस वजह से वोट देंगे आप? ये शिक्षित हैं और पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, और सबसे बड़ी है कि
ये जनता का सहयोग देते हैं। महिला हैं आप, महिला होने के नाते महिला ही वार्ड है, गर्व होता होगा कि 50% ज्यादा कहीं ना कहीं महिलाओं को प्रायोरिटी दी जा रही है सरकार के द्वारा, किस तरह देखते हैं? ये तो एक अच्छी बात है, देखो महिला को हर काम में आगे लिया जा रहा है और पढ़े लिखे और शिक्षित उम्मीदवार को चुनना एक हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है। अब भी महिला हैं और वार्ड भी महिला हैं, कितनी उम्मीदें होती है एक महिला को? एक महिला हमें बहुत सी उम्मीदें है मीनाक्षी देवी जी से भी और जगबीर सर जी से भी, वो इतने अच्छे एजुकेटेड इंसान है भाई, बहुत अच्छे इंसान है, वैसे भी कर्मठ है, मेहनती है और हमेशा स्टाफ का भी उन्होंने हर बात में साथ दिया है और हमारी भगवान से मन से यही दुआ रहेगी कि उनको हर हाल में जिताए बाकी किसी। बिल्कुल, लगातार चाहे महिला हो, बुजुर्ग है, नौजवान है, वो लगातार ये कह रहे हैं कि शिक्षा बहुत बड़ी चीज है, शिक्षित है और समाज सेवी भी है और लगातार कई चीजें ऐसी हैं जो उन्होंने बताई। फर्स्ट प्रायोरिटी तो कम से कम जो जल निकासी की होगी, पीने के पानी की होगी और किसान होने के नाते कहीं ना कहीं अन्य जो चीजें होती है वो भी देखने को मिलेगा। किसान परिवार से हैं तो जो फसलों में जो पानी भर जाता है वो भी प्रायोरिटी होगी और जो काला बाजारी होती है चाहे वो बीज को लेकर हो या मंडियों में जो जो अनाज नहीं बिकता है वो भी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी, इस तरह की सारी चीजें देखते हुए। और एक हुजूम आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन को बताऊंगा कि आप देखें कि जहां से जहां तक आपकी नजर जाएगी वो एक बड़ा हुजूम यहां पर देखने को मिला और ये जनसैलाब बहुत कम लोगों को मिलता है। इस तरह जो जनसैलाब होता है अमूमन कहीं ना कहीं विधायक जब खड़े होते हैं या सांसद जब खड़े होते हैं इस तरह का हुजूम मिलता है और गांव का जब गांव का मतलब बेसमेंट अगर किसी का तैयार होता है यानी जमीन जमीनी स्तर कहीं ना कहीं जब तैयार होगा तभी वो मजबूती होगी। गांव सिलाना से है, जब सिलाना गांव उठकर एक तरफा जब इन्हें आशीर्वाद दे रहा है तो जाहिर सी बात है जीत जरूरी होगी, जीत निश्चित होगी। शुक्रिया।